तो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज़ अमित। एंड भाई अभी डिलीवरी बॉय का फ़ोन आया था कि वो फ़ोन लेके आ रहे हैं, एंड काफ़ी एक्साइटेड हूँ आज, मतलब नथिंग फ़ोन 2 के लिए, क्योंकि हमें तो कंपनी वाली देने नहीं वाली, तो हमें खुद ही ऑर्डर करना पड़ता है। फाइनली भाई हाथ में फ़ोन, चलो अनबॉक्स करते हैं जाके रूम। तो गाइज़ फाइनली मेरे हाथ में नथिंग आ चुका है। आपने देखा कि मैं गया था अभी, डिलीवरी वाले भैया अच्छे थे, उन्होंने बोला कि आप ही अनबॉक्स कर लो, मैं आप फोटो खींच के मतलब फ़ोटो दे दूंगा, मतलब उन लोगों को फोटो देना रहता है, एक ओपन बॉक्स डिलीवरी में ऐसा होता है। तो उन्होंने मुझे ही अनबॉक्स करने दिया, तो मैंने ही अनबॉक्स करा। एंड बड़े प्यार से मैंने ज़्यादा अनबॉक्स नहीं करा, मतलब यहाँ से खोला एंड फ़ोन देख लिया बस उतना ही। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कैमरे में मतलब अच्छे से। तो देखो यहाँ पे एक सील रहता है एज़ यूजुअल नथिंग का, जो पैकेजिंग रहता है कि आप इसको ऐसे ट्रियर करोगे तो आपका जो ये बॉक्स है ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो इसे साइड में रखते हैं, आपको फ़ोन दिखाते हैं, चलो। तो देखो यहाँ पे आप ऐसे निकालोगे, ऐसे फ़ोन आपका ये तरफ है आगे में, ठीक है। एंड भाई ये बॉक्स ऐसा है, देखो मतलब इसमें कवर होके आया ये चीज़। आपने तो अनबॉक्सिंग बहुत सारे वीडियोस में देख ली होगी, मतलब बहुत सारे प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल में देख ली होगी, बट मेरा देख लो, क्योंकि हम लोग भाई छोटे यूट्यूबर, हम लोग अच्छे से करते हैं, मतलब अब फील लेके करते हैं, ठीक है। तो पूरा यहाँ पे आपको यहाँ पे टेक्सचर मिल जाएगा, ये चीज़ पूरा डॉटेड 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 है। फिर यहाँ पे पूरा आपका ये जो नथिंग का रेड लाइट ब्लिंक करने वाला जो डिज़ाइन है, वो मतलब वैसे टाइप का एक्सटेंट इसमें बॉक्स में दिया हुआ है। एंड आप इसे अगर साइड से उठाओगे तो आपको ऐसे यहाँ पे नथिंग मिलता है। तो चलो तो मैं दूसरा एंगल से दिखाता हूँ। तो देखो ऐसा कुछ आपको बॉक्स देखने को मिलता है यहाँ पर, वो डॉटेड डॉटेड टाइप है, ठीक है। डिज़ाइन अच्छा है, मतलब मेरा पहला नथिंग एक्सपीरियंस है, तो तुमको कैसे ऐसे ही बॉक्स मिलेगा देखने को। और ये चीज़ ऐसे यहाँ से खुल जाता है, कितना सुंदर है नहीं। यहाँ पे सबसे सही देखो, चलो एक के बाद एक, सबसे पहले तो यहाँ पे नथिंग का डिज़ाइन, क्या क्या भाई साहब, मतलब इतने प्यारे प्यारे आपको यहाँ पे यूज़र गाइड, इतना अच्छा। और सब में जो नथिंग का एक्सेंट है ना, ये डॉटेड टाइप का जो इनका फॉन्ट है, वो बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा अलग से अपील भी है, मतलब अलग से थोड़ा देने का कोशिश भी करा डिफरेंट नथिंग ने। और मैंने अनबॉक्सिंग वीडियोस में देखा था ये पेन टूल, मतलब ये पिन जो सिम इजेक्टर पिन है, तो इसको मैं पिन टूल बोलता हूँ, पता नहीं क्यों। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे सही लगता है, बहुत ही मतलब अलग सा कुछ है एकदम, ठीक है। उसके बाद ये आता है आपका टाइप सी टू टाइप सी केबल, चार्जर तो मिलती नहीं है नथिंग के बॉक्स में आपको, तो आपको सिर्फ ये ट्रांसपेरेंट वाला टाइप सी टाइप सी केबल मिलता है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मतलब ये टाइप सी देख रहे हो, मतलब ट्रांसपेरेंट भाई, सब चीज़ ट्रांसपेरेंट। तो ये है फ़ोन, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थ फर्स्ट, और ये जो पूरा पेपर में रैप होके आया नथिंग, तो यहाँ से मैं निकालता हूँ इसे, तुम्हें दिख रहा है, देखो कितना सही लग रहा है भाई, बड़ा फ़ोन है पर, ठीक है। ये तुमने यहाँ से इसको यहाँ पे तुम खोलोगे, मतलब ये देखो नथिंग फोन 2। यहाँ पे इस बार डिज़ाइन में तो चेंजेस हुआ नहीं है, बट जो चेंजेस हुआ है वो आपका एलईडी, मतलब ये जो पीछे ग्लिफ लाइटिंग है उसमें जो एलईडीज हैं वो थोड़ी ज़्यादा कर दी गई है, मतलब बीच से काट काट दिया गया, और क्या, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें नथिंग देखने को मिल जाता है, एंड दो कैमराज हैं जो कि पहले से इम्प्रूव है यहाँ पे। अब यहाँ पे तुम्हारा इंडिकेटर है, जो कि तुम अगर रिकॉर्ड करोगे तो ये चलेगा। एंड इस बार जो ग्लिफ लाइट के इंटरफेस है ना, वो भी बहुत सारा उन्होंने चेंज करा है, ठीक है। यहाँ तुम्हें फ्रंट कैमरा मिल जाता है, तो चलो बूट करते हैं इसे भाई। ऑन होते ही इसमें हैप्टिक्स है भाई, खतरनाक वाइब्रेट हुआ। तो यहाँ पे आया है नथिंग पावर्ड बाय एंड्रॉयड, एंड ऐसा कुछ ये बूट होता है, देख लो। आओ तुम्हें आज बूट प्रोसेस पूरा दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हेलो, एंड चलो इसे बूट करते हैं। आगे इंसर्ट अ वैलिड इंडियन सिम कार्ड, ठीक है, नहीं अभी नहीं करना, इंग्लिश। उसके बाद हमें आगे कहाँ से बढ़ना है भाई, मतलब पहले सिम कार्ड डाल के आगे बढ़ सकते हैं ऐसे नहीं। तो यहाँ पे मैंने एयरटेल का सिम ले लिया, चलो सिम डालते हैं इसके, यहाँ पे सिम लगता है इसका, तो इससे मैं खोलता हूँ। ओ सिम कार्ड स्लॉट भी देख लेते हैं, अरे भाई निकल जा। तो इसमें तुम दो सिम लगा सकते हो, सिम वन सिम टू, तो सिम वन में सिम लगाते हैं। चलो इसे बूट अप करते हैं, ठीक है भाई। इंसर्ट कर दिया मैंने सिम कार्ड, इंसर्ट अ वैलिड इंडियन सिम कार्ड, साउंड तो काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो अभी ये लोड हो रहा है,
ये सिम कार्ड मतलब रीड ले रहा है वैसे, सिम कार्ड ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, अब शायद ही आगे बढ़ेगा। बट मैंने जो सिम डाला है उसमें रिचार्ज ही नहीं है भाई। ठीक है चलो यहाँ पे मैं वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। चलो अब ये आराम से सेटअप होगा एज़ यूजुअल जैसे एंड्रॉयड फ़ोन सेटअप होते हैं। एंड तुम्हें बहुत दिन के बाद मैं अनबॉक्सिंग वीडियो दे रहा हूँ मुझे पता है। चलो देखते हैं जल्दी से सेटअप करते हैं कितना टाइम लेता है ये। और ये जो कलर है मैंने ऑर्डर करा था ये वाइट कलर ऑर्डर करा था क्योंकि मुझे वाइट ज़्यादा प्रीमियम लगता है ब्लैक के हिसाब से। मतलब ब्लैक तो नहीं इस बार आया, इस बार ग्रे कलर आया, बट ग्रे से ज़्यादा अच्छा मुझे ब्लैक लगा। एंड इन हैंड फील्ड की अगर बात करोगे ना तो ये जो पीछे का ग्लास है ना वो भाई थोड़ा कर्व हो गया है। मतलब आईफोन का जो है वो पूरा फ्लैट है तो वो थोड़ा हार्ड लगता है पकड़ने में, बट ये ना समझ नहीं आ रहा मुझे ये यहाँ पे कर्व करके पता नहीं यहाँ पे हार्ड है एंड यहाँ पे कर्व है तो ये कहना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे आया है कि कॉपी एप्स एंड डाटा, तो भाई इसके पहले तो कोई एंड्रॉयड फ़ोन था नहीं मेरे पास तो डोंट कॉपी करते हैं। नथिंग का यूआई में भी मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, अभी देखना पड़ेगा नथिंग का यूआई क्योंकि कंपनी नहीं आई है भाई। सब चीज़ें चेक करने में जो मज़ा आएगा ना इसको वो नेक्स्ट लेवल है एकदम। तो गाइस फाइनली मेरे हाथ में नथिंग आ चुका है। मतलब ये चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए ना मैं बहुत दिन से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था एंड फाइनली अब हाथ में नथिंग आ चुका है तो इसे अच्छे से टेस्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बस एक अनबॉक्सिंग अच्छा से देना चाहता था, एक फील करना चाहता था कि कैसा अगर आप ये फ़ोन खरीदोगे। तो मैंने तो ये फर्स्ट सेल यूनिट है फ्लिपकार्ट का, ठीक है फर्स्ट सेल में मैंने इसे बाय करा क्योंकि मैं अनफॉर्चुनेटली मैंने बाय नहीं कर सका उसमें जब प्री ऑर्डर चल रहे थे। मुझे लेट से पता चला, मतलब मैं उतना देख नहीं रहा था तो मुझे पता नहीं चला। तो फाइनली अब आ चुका है तो अब हम टेस्ट करेंगे इसे अच्छे से, गेमिंग टेस्ट करेंगे। इसमें जो प्रोसेसर है इसका 8+ Gen 1 उसे भी ट्राई करेंगे एंड कैमरास तो भाई एज अ फोटोग्राफर मैं कैमरा तो नहीं छोड़ने वाला, कैमरा अच्छे से देखेंगे। 12 से कंपेयर करेंगे, आईफोन 14 से कंपेयर करेंगे एंड एंड्रॉयड के भी 2-3 फोन से कंपेयर कर देखेंगे कि इसका कैमरा कितना कैपेबल है। मतलब सब बोल तो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कैपेबल है बट टेस्ट करना बनता है। और फिर से एक बार सुनूंगा ये चीज़ भाई, पूरा डिस्को है पीछे। चलो तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना एंड अगर आपको कोई कमेंट है तो प्लीज़ बताओ। अगर आप कोई भी वीडियो चाहते हो नथिंग पे ना तो आपको बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस आने वाले हैं नथिंग के सारे वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक किया नहीं है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस। ओ भाई ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन क्या खतरनाक छोड़ दो।